I want you to show me how to get to know someone like you. Hello everyone. Say hello. Hello. Say hello. Okay, so amma hello karo. अम्मा एकदम अपना लेट चुकी है और हम लोग जा रहे हैं इन ऑर्बिट, पर एज़ यूजुअल वाशी वाले इन ऑर्बिट नहीं जा रहे क्योंकि इस बार प्लान चेंज हो गया है. मुझे टाइम जोन ने बुलाया है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टाइम जोन की मैं एकदम रेगुलर कस्टमर हूँ, हमेशा जाती रहती हूँ. तो इस टाइम मुझे टाइम जोन ने बोला कि भाई कभी मलाड वाले इन ऑर्बिट में भी आकर आप देख कर जाइए, सिर्फ आप हमेशा वाशी वाले में जाते हैं. तो ये गूगल, आपको पता ही होगा गूगल मैप्स. ओके, तो फिर आज मैंने प्लान किया कि आज हम लोग चलेंगे इन ऑर्बिट मलाड वाले टाइम जोन. अम्मा आप तैयार हो खेलने कूदने के लिए? आप कूद नहीं सकते? सब कर सकती है अम्मा, सब कर सकती है. तो अभी हम लोग अम्मा को खेलना कूदना सब करवाने वाले हैं. ये ना अम्मा, अम्मा ऐसे करो, यप्पी मस्ती कर रहे बोलना तो बोल लो, यिप्पी यिप्पी. तो मस्ती हो रही है पूरी तरह से यहाँ पर. ओके, तो चलिए फिर चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और लंच वगैरह सब वहीं पर हम लोग करेंगे. मतलब टाइम जोन में लंच नहीं होता, टाइम जोन में सिर्फ खेला जाता है, लंच वहीं पर हो जाएगा मॉल में. सो हम लोग पहुँच चुके हैं इन ऑर्बिट मॉल मलाड और मुझे दो व्हील चेयर्स भी मिल गए हैं, तो ये बात अच्छी हो गई. तो अभी मैंने अम्मा काका को भी व्हील चेयर में बिठा दिया, अब आराम से मॉल घूम पाएंगे विदाउट चलना. बस 2 बज गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया यार, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था. हम लोग राज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आगे राज भी आ गए, सो हम उन्हीं के लिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो पार्किंग में कार लगा रहे थे. चलिए चलते हैं. से हेलो फातिमा, है ना, पापा की खुशी है ना, पापा क्यों नहीं भेजते आपका नाम? अच्छा पापा को भी लेके आया करो, मम्मी और पापा. मैंने बोला सिद्रा, अच्छा मेरे को नहीं नाम समझे, सिद्रा शिविनी सिद्रा के, सिद्रा एंड फातिमा दोनों माँ दे दिए, राइट? थैंक यू सो मच. से हाय, से हाय, से योर नेम? स्नेहा. और स्नेहा ने अनिका और दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई ऑलरेडी की शी इज माय बेस्ट फ्रेंड नाउ, राइट अनिका? कैन यू गिव मी अ किस? अरे वाह, अच्छा लगा आप आए, काफी अच्छा लगा. हम लोग का खा पी के हो चुका है एंड से हेलो और बाय समथिंग, हाय. सो शी स्नेहल, मैंने आई थिंक आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया एंड है कुछ कहानी भूली बिसरी पीछे की. कुछ सालों पहले की, एज अ यूट्यूबर ओनली, हम लोग यूट्यूब वाले ही फ्रेंड्स हैं. हाँ, नहीं तो फिर भूले बिसरी. वी मेट बिकॉज ऑफ यूट्यूब. Yeah. But personally we are meeting today. Yes. Right, you know? Right. I think 2.5 years before we were in touch. Right. But yeah, we are meeting for the first time and I must tell you she's very 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 sweet. Thank you. तो आज के बाद अगर इनको किसी ने बुरा बोला ना तो देखो भैया मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. I don't comment.
हाँ मेरा ईमेल आईडी डाल देना डिस्क्रिप्शन में, फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे कंक्लूड करना है। जो भी ट्रोलिंग है आप सीधा यहाँ पर करके, हाँ मुझसे बात करो ऑफिशियल, हाँ इंडियन मॉम आप मुझे अपॉइंट कर लो फुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग मुझसे बात करो मैं जवाब देती हूँ कैसा क्या करना है। So bright, feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Without trying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. That we're meant to be. सो यहाँ पर मैं आई थी टाइम जोन, प्रमोशनल कोलैबोरेशन था मेरा टाइम जोन के साथ, तो बस वहाँ पर मैंने बहुत सारी मस्ती फन किया है और बस अभी घर जाने का टाइम हो चुका है, बस घर जा रही हूँ। घर जाने से पहले अनिका खरीदी थी ये बैलून जो कि वो बहुत देर से जिद कर रही थी, तो मैंने ही बोला था कि घर जाते समय तुम्हें खरीद के दूँगी रैबिट। ओके तो जैसे कि खेल कूदने के बाद बच्चे लोग सो जाते हैं, तो यहाँ पर एक बेबी तो हमारे सो गए हैं और दो बेबीज जग रहे हैं। अम्मा नींद आ रही है आपको? मजा आई उछल कूद करने में? अम्मा के अम्मा के मसाज चेयर पर बैठाया था, दो मिनट बाद भाग गई बोली नहीं। मसाज चेयर पर राज ने अम्मा को बिठाया था, फिर अम्मा को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, पीछे से कौन बुकी बुकी मार रहा है क्योंकि वो मसाज चेयर में ऐसे फील होता है, तो अम्मा बस लाइक क्या हो रहा है ये तो फिर अम्मा उठ गई और हम लोगों ने अम्मा को सारे गेम जोन दिखाए। कैसा लगा अम्मा आपको? नहीं लगा अच्छा? और जो आपने खाना खाया वो तो अच्छा लगा होगा? कुछ नहीं अच्छा लगा। क्यों? अम्मा खुश नहीं है। अच्छा अम्मा को घर का दाल चावल पसंद है। चलो नेक्स्ट टाइम जब हम घूमने चला करेंगे ना अम्मा, तो क्या बोलते हैं कि आपका खाना चाहता वेजिटेरियन तो नहीं, आपका टिफिन लेकर चला करेंगे, बाहर खाना होता ही नहीं। हाँ आज क्या है कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा हम लोग वेज ही खाते हैं, तो फिर वेज ही था इसीलिए तभी अम्मा को अच्छा नहीं लगा। वेज बाहर अच्छा होता ही नहीं था। पराठा तो ठीक लगा होगा अम्मा, पनीर पराठा अच्छा था अम्मा, खट्टा लग रहा था। अच्छा पराठा ही ठीक था, बाकी तो सब बेकार। और अनिका तो मस्त एकदम सोई है, क्योंकि अनिका ने अगर मस्ती की है तो सबसे ज़्यादा की है। तो चलिए फिर घर चलते हैं, अभी बज रहे शाम के 5:20 और अभी मैं पवई पहुँची हूँ और यहाँ पर हल्का सा ट्रैफिक है क्योंकि ऑफिस छूटने वाला टाइम है, तो हल्का सा यहाँ पर अभी क्लियर हो गया वैसे ट्रैफिक, तो चलिए चलते हैं। आई थिंक 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे ना, कितना दिख रहा है 41, तो हाँ 6 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ओके चलिए फिर।
ओके सो फाइनली घर पर आकर हम लोग कर रहे हैं रिलैक्स, बहुत ज़्यादा थक गए अम्मा, आप थकी ना वो पता चल रहा है आपके चेहरे को देखकर कि आप बहुत थक गई हो। चलो बेडरूम में लेटा दूँ आपको, लेट जाओ चलो। क्यों लेट हो गई? नहीं क्या हो गया? प्यास लगी, प्यास लगी, एक मिनट पानी देती हूँ। ओके तो ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी जा रही थी, और मैं आपको बता दूँ अम्मा जो ट्रांसफॉर्मर मूवी देख रही थी और काका भी देख रहे थे, एंड आज हम सब ने डिसाइड किया कि आज हम लोग एंजॉय करेंगे और एकदम मस्त वाला दिन स्पेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली वही करना चाहिए राइट। तो आज के डिनर में है पिज़्ज़ा, एंड सब लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, अनिका अनिका के दादा और अनिका की दादी। अम्मा पिज़्ज़ा अच्छा है, एंड आज सब लोग बच्चे बने हैं, सो क्या बोलते हैं कि फंटा तो मुझे नहीं पसंद तो सब लोगों ने सोचा कि यार जब आज सेलिब्रेटी कर रहे हैं फुल फंड है तो भाई डिनर में भी, और मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ नवी मुंबई का माहौल ना, आज मेरी सुबह की जो बर्तन वाली आंटी है वो नहीं आई, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके बाद हमें जाना पड़ गया था मलाड, तो पूजा को भी इतना टाइम नहीं मिला धोने के लिए और हम लोग काफ़ी लेट आए, तो काफ़ी बर्तन मतलब धोने पड़ गए पड़ जाते, तो हमने डिसाइड किया, सब ने डिसाइड किया, अम्मा काका ने भी डिसाइड किया कि आज बाहर से खाते, और अम्मा काका ने बोला अनिका तुम क्या खाओगी, अनिका क्या बोलती है पिज़्ज़ा, तो अम्मा काका बोलते जो अनिका खाएगी वही आज दादा दादी खाएंगे, एंड फिर क्या पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। सो अच्छा लगता है यार जब आपके सास ससुर इतने कूल हो, मतलब आई एम फीलिंग सो 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 गुड कि वो लोग इतना फंटा खाना, बट मुझे नहीं पसंद, मुझे फंटा नहीं पसंद, मुझे स्प्राइट लेमोनेड लिमका या पेप्सी पसंद है, बट फंटा इतना नहीं पसंद है। ओके सो अभी जो मूवी चल रही है वो चल रही है, इसलिए राज बोल रहे हैं मैं बंद कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मूवी नाइट विद पिज़्ज़ा चालू कर रहे हैं, तो चलिए फिर बाय। सो अनिका खेल रही है बास्केटबॉल, आ बेबी चलो, मतलब मैडम इतना खेली है पूरा दिन, पूरा दिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रहा है, पूरा दिन हम लोग मतलब ठीक है, ये जाते समय नहीं सोई थी, आते समय तो सोई थी, और साथ ही साथ क्या बोलते कि हाँ मुझे भी काफ़ी पसंद आया, और ये ऐसी मतलब इतनी सारी चीज़ें ना 1000 रुपये के अंदर नहीं मिलती, राइट, एंड वो भी बच्चे खुद बनाए उसे, एक गेम्स 800 का मिलता, राइट। सो अनिका जो क्या बोलते हैं फ्लिंटो बॉक्स अनिका को रिसीव हुआ था उसी में से एक गेम खेल रही है राइट नाउ, वो बास्केटबॉल खेल रही है। सो वहाँ पर भी टाइम जोन में भी अनिका ने बहुत मस्ती की है, एंड हम लोग मतलब मूवी देखे, गपशप किए, खाना पीना खाए, एंड अभी आकर सो रहे हैं, अम्मा काका ऑलरेडी सो गए, हम लोग अभी आए हैं बेड पर, बस अभी सोने की तैयारी चल रही है, अब जानो कल सैटरडे है, एनी प्लान? ओह इसका उसका इसका ये मतलब हुआ कि अभी सो जाओ, नहीं बेबी बेबी नहीं नहीं मतलब चालू यार इन लोग को सोना नहीं आज, हाँ सोना है कि नहीं बताओ, नहीं सोना है,
नहीं सोना है तो फिर दोनों बैठो और खेलो। सुबह खेलना ना। कल का कुछ प्लान है? कल बेबी का डांस क्लास है। हाँ यार मैं भूल गई। तुमने प्रैक्टिस भी नहीं की है पूरा हफ्ता पता है। क्या हो गया भैया जी? कुछ नहीं हुआ ऐसा। ओके हाँ तो फिर यही तो डांस होता है। मैडम जी मुझे करके दिखा रही है। मैं पत्थर ये फेंक देती। अच्छा उन्होंने ऐसे बताया था क्या? ओके चलिए फिर मिलती हूँ सुबह एंड टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होने के बाद भी हम लोग का काफ़ी समय चला गया है बेड पर ही। और मुझे आपको एक्चुअली कुछ दिखाना था जो कि मेरे पास कुछ दिनों पहले आया है। और क्या यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा है? वो तो रहेगी क्योंकि मैं रहती हूँ ऐसी जगह पर हूँ कि जहाँ पर गाड़ियाँ पूरे दिन पॉपी पी फूफू करते रहते हैं, तो इग्नोर दैम। तो ये एक बहुत ही क्यूट सा बैग मुझे निकिता ने भेजा है। निकिता जो कि ब्लिंक बॉक्स ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम आपको पता होगा उसकी ओनर है। और निकिता ये ब्लिंक बॉक्स नाम का एक सब्सक्रिप्शन बैग या बॉक्स आई थिंक बॉक्स चलाती है। एंड हम लोग काफ़ी दिनों से एक मेक को जानते हैं। निकिता को आई थिंक मैं लास्ट डेढ़ या दो साल से जानती हूँ। एंड वो काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग लेडी है और अपने लिए कुछ करना चाहती है लाइफ में। एंड देन शी स्टार्टेड ब्लिंक बॉक्स ये। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब एक लेडी अपने पैरों पर खड़ा होकर एक अपना मतलब एक अलग सा जहां बनाती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच निकिता फॉर सेंडिंग इन ए क्यूट क्यूट थिंग्स लाइक ये इयरिंग इस बैग के अंदर आए हैं। सो आई थिंक बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे इन इयरिंग्स के साथ और एक बहुत ही स्वीट सा हैंड रिटन लेटर जो कि मेरे पास है। और मुझे इस तरह के लेटर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव स्वीटी। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग, लाइक ये हैंडमेड बैग है और इसके ऊपर जो वर्क है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, घुंघरू लगे हुए हैं, स्ट्रैप भी बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच। अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो जैसे कि मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बिंदी के पैकेट्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था आई नो मेरे कबोर्ड में थोड़ा मेसी है इस समय क्योंकि इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इन्हें ऑर्गेनाइज करूं, बट स्टिल आई ट्राई माय बेस्ट। तो ये तो आपने लास्ट टाइम देख लिए थे राइट? जस्ट वन मिनट गाइस। एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में चीज़ें हैं, सो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सब दिखाना। जस्ट मिनट, थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से निकालूँ जो कि राज ने यहाँ पर ठूस दी है। सो ओके, अब मेरा बिंदी का बॉक्स निकल सकता है। सो ये है मेरी बिंदीज। यहाँ पर बहुत सारी बिंदीज है, पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, बट इतनी सारी बिंदीज है कि आई थिंक मोर देन 100 पैकेट्स है इसके अंदर। अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा। और कुछ कुछ बिंदीज बहुत सुंदर है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, दो ही बच्ची है, बहुत सुंदर लगती है लगाने के बाद। और एक हाथ दो मैं आपको दिखाऊँ, इतना ठूस दिया है ना मैंने इनको कि सही से मैं निकाल आ रही हूँ। राज बड़ा बुलाते हैं यार मुझे, आ रही हूँ एक मिनट। सो अभी तो शायद मैं आपको सारी बिंदीज नहीं दिखा पाऊँगी, अभी जैसा था वैसा वापस रख देती हूँ। ओके और देखिए मैं
मुझे पता है बहुत गाली मिलेगी ये जब मैस देखेंगे ना. आई एम श्योर कि आपके घर में भी मैस रहता होगा थोड़ा बहुत. बट मेरी लाइफ ना बहुत बिजी चलती है गाइस, बहुत बिजी. बैक टू बैक मैं काम करती रहती हूँ, फिर भी मेरे काम ख़त्म नहीं होते. एंड बाय द वे मुझे ये लाइट्स को भी हटाना है यहाँ से. मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा लगाना है जो कि मैंने अमेज़ॉन पर देख रखा है एंड बहुत जल्दी मैं लगाने वाली हूँ. अनिका पता नहीं क्या बोल रही है. ओके सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. अभी जा रही हूँ नहाने. नहाने के बाद मैं आज नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी एज यूजुअल जो मैं काम करती हूँ डेली व्लॉगिंग राइट. एंड अम्मा की जो हेल्थ है ना उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ. अभी वो हंसती है, बोलती है और चलती है. और मैं आपको कल की बहुत बड़ी बात बताना भूल गई. हम लोग घर से 12:15-12:30 बजे निकले थे राइट. आने के बाद अम्मा को मैंने बोला लेटो. अम्मा तैयार नहीं थी. अम्मा वॉज लाइक नहीं लेटना. उसके बाद अम्मा ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी जो कि आई थिंक 2 घंटा की थी शायद. उसके बाद भी अम्मा ने सावधान इंडिया देखा. अम्मा को बिल्कुल भी सोने का मन नहीं था और अम्मा 12 बजे से बैठी हुई थी. मैंने राज ने 3 बार पूछा अम्मा लेट जाओ अम्मा लेट जाओ, बट अम्मा नहीं लेटी. और यही सारी इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ अम्मा में कि अम्मा का स्टैमिना बढ़ चुका है. अम्मा काफ़ी हेल्दी अभी होते जा रही है. चलना फिरना उन्हें हो गया और थैंक्स टू कल व्हील चेयर जिसकी वजह से मॉल में घुमाना काफ़ी आसान हो गया. और आजकल ना मॉल्स में ये सारी चीज़ें जो करना चालू कर दिया है ना, मतलब व्हील चेयर वगैरह रखना बहुत बहुत अच्छा हो गया गाइज. मतलब पहले ना मैं मॉल नहीं लेके जाती थी अम्मा को जस्ट बिकॉज कि वो कैसे चलेंगी, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा. बट नाउ आई हैव ऑप्शन. थैंक्स यू गाइज. अगर मॉल का कोई भी बंदा देख रहा है मुझे नहीं पता, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मतलब अच्छा कर रहे हो. थैंक यू सो मच. क्योंकि जिसे इसकी ज़रूरत होती है ना उसी को उसकी वैल्यू पता है. मुझे पता है कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है. थैंक यू सो मच. तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. टिल देन बाय, लव यू. एंड आजकल मैं आपके साथ हैशटैग शेयर नहीं करती हूँ, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला. तो आज का हैशटैग है बेस्ट फ्राइडे एवर. जी हाँ, बेस्ट फ्राइडे एवर फॉर श्योर. क्योंकि कल मैंने सच्ची में बहुत मस्ती बहुत की. एंड ऑल थैंक्स टू माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जो कि इतने कूल है. उन्होंने बिल्कुल भी मुझे मना नहीं किया. सो आई एम सो ब्लेस्ड. सो टिल देन बाय. टिल देन टेक केयर.